नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में इस वक्त विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। पहले फेज के मतदान के साथ ही आज दूसरे फेज के मतदान की भी शुरुआत हो चुकी है। इन सब के बीच अगर हम बात करें राजनीति के दिग्गज नेताओं की, तो वो भी लगातार मतदान केंद्र तक पहुँच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में अगर हम बात करें लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की, तो वो हसनपुर के दौरे पर एक बार फिर से निकले। आपको बता दें कि इस बार तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसको लेकर वो लगातार सक्रिय दिख रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं। और आज वो मतदान केंद्र तक पहुंचकर वहां का जायजा लिया, उन्होंने वहां का दौरा किया। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने जब मीडिया कर्मियों से बातचीत की, तो उन्होंने ये कहा कि इस बार मेरी जीत सुनिश्चित है। सबसे पहले आप सुनिए कि तेज प्रताप यादव क्या कुछ कह रहे हैं। और हमारी जीत सुनिश्चित है, पूरे तरीके से इसका कोई नहीं होगा। क्या लगता है पिछले बार जिस तरीके से पिछले बार विधानसभा की बात करते बहुत भाई और उनका भी अच्छा है। और यहाँ आपको बता दें कि आज बिहार में 17 जिले के 94 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं और लगातार मतदाता मतदान केंद्र तक जाकर वोट डाल रहे हैं। और साथ ही साथ तमाम जो राजनीति के दिग्गज नेता हैं, वो भी मतदान केंद्र तक पहुंचकर लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप वोट डालने जरूर जाए। और इसी कड़ी में तेज प्रताप यादव जो है वो वहाँ हसनपुर पहुंचे और साथ ही साथ उस वोट का जाँच किया और देखा, जायजा लिया और ये तक कह दिया कि इस बार हमारी जीत सुनिश्चित है, हम ही जीतेंगे। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव लगातार जो चुनावी प्रचार प्रसार है उसमें अलग अलग रूप में दिखाई दिए, हमेशा लोगों को आकर्षित करने की हर वो कोशिश की है। और इस दूसरे चरण में ही उनके छोटे लाल तेजस्वी यादव का भी फैसला हो जाना है। तेज प्रताप यादव के साथ साथ इन दोनों भाइयों का फैसला दूसरे चरण के मतदान के दौरान भी होगा। अब देखना यह है कि जनता किसको जीत का सहरा पहनाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार। यही तो तेज प्रताप जी जो है लगातार हसनपुर में आप लोग जा रहे हैं।